पापा जी काय रोता नहीं मम्मी वेलकम बैक टू माई चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। तो बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड से आवाज़ भी ख़राब हो गई है, तबीयत भी ख़राब है। सो कल कितनी थकान हो गई है ना कि बस क्या ही बताऊँ। और सुबह के बज रहे हैं इस टाइम 10 और मैं इस टाइम ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बिकॉज हुआ क्या ना गाइस कि मतलब सुबह ये प्लानिंग हुई थी रात को ही कि जो हलवाई हैं वो लोग तो रात को ही आ गए थे, तो सुबह सुबह का नाश्ता वगैरह सब कुछ वही बनाएंगे। तो इसलिए मैं रिलैक्स थी, आराम से, मैंने बोला मैं आराम से उठूँगी और आराम से सारी चीज़ें करूँगी। बट जैसे ही 9 बजे गद्दा बाहर थोड़ा देर उसमें डाल दो कि वो सूख जाएगा पीछे की तरफ से पलट के, तो ये प्लानिंग हुई थी तो मैं रिलैक्स थी। बट फिर सडन ये प्लान हो गया कि जो हलवाई थे वो बोल रहे थे कि मतलब ये टाइम लगेगा, तो मैं दोपहर का भले बना दूंगा बट सुबह का आप लोग देख लो। तो फिर ये डिसाइड हुआ था कि चलो ब्रेड चाय मतलब टोस्ट बना देंगे और चाय बन जाएगा। तो फिर मैं फिर रिलैक्स हो गई, लेकिन फिर सडन पता चला कि नहीं, मतलब सब ने प्लानिंग से मतलब सबकी डिस्कशन से पता चला कि नहीं, अभी थोड़ा सा अच्छा हैवी खाना है वरना फिर बहुत सारा काम होता है तो नहीं कर पाएगा इंसान। तो फिर मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया है और उधर मैंने आलू का मसाला तैयार करके रख दिया है। तो मैं आलू के पराठे और चाय नहीं उठ रहा है आ रही हूँ, चाय और आलू के पराठे बनाएंगे और सबके लिए बस मैं नाश्ता बनाने आ गई हूँ। यार मतलब जिस दिन ये पता चल जाए कि आज खाना नहीं बनाना उस दिन इतनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। फिर जब सडन पता चलता है कि नहीं आपको खाना बनाना है तो दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो वही वाला सिचुएशन मेरे साथ हुआ है, मतलब खाना बनाना नहीं है, आराम करती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा घर का साफ सफाई देखूँगी। बट फिर पता चला कि नहीं काम तो करना है, खाना तो बनाना है, तो ना चलो और बाहर ना टेंट लगा है, उनको दिखाती हूँ। ये देखो बाहर ना यहाँ पे टेंट वेंट लग रहा है, टेंट का काम स्टार्ट हो गया। चलिए गाइस तो आज का एंजॉय करें आप ब्लॉग। मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करूँगी, लिमिटेड थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही रिकॉर्ड करूँगी, बाकी आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी देखने को मिलेगी। बट मैं आपको अपनी सारी चीज़ें दिखाऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, गंदी क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको आज के मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो ब्लॉग में बने रहिए एंड क्या पहन रही हूँ ये सारी चीज़ें आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगी। फाइनली मैं नहा के आ गई हूँ और जो भी मेरे काम थे वो निपट गए हैं। अभी मैं वेट कर रही हूँ कि जो फर्नीचर वाले हैं लेके आने वाले हैं, 11 बजे वो निकले थे तो वो बस पहुँचने वाले हैं, तो वो आ जाए और एक बार सारी चीज़ें सेटल हो जाए फिर मैं मेकअप करूँ और फिर मैं तैयार हूँ, वरना फिर मैं तैयार होने बैठ जाऊँगी ना और वो आ जाएंगे बीच में, तो फिर सारी चीज़ें सेटल करनी पड़ेगी तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मतलब इरीटेशन वाली चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ वो आ जाए, उसके बाद मैं आराम से रेडी होती हूँ।
और ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे, थोड़ा सा सिंपल ही रेडी होना है बिकॉज शाम को अच्छे से रेडी होंगे। अभी डे में है तो थोड़ा सिंपल मेकअप करना है, शाम को अच्छे से मेकअप करूँगी अभी ऐसे ही। तो चलिए मिलती हूँ। सो गाइस, फाइनली फर्नीचर सब आ गया था और उतर रहा था और 1 बजे आया था फर्नीचर सारे, 1:30 बज रहे थे कि 2 बज रहे थे पता नहीं। और आगे अब देखना मेरे साथ मतलब क्या क्या हुआ, मैं क्या ही बताऊँ। और पापा जी का रोना, मतलब पापा जी जब ऐसे इमोशनल होते हैं ना गाइस, मुझे पता है बहुत सारे लोग लिए बहुत छोटी चीज़ है बट हमारे लिए हर एक चीज़ बहुत बड़ी होती है और स्पेशली पापा जी के लिए, बिकॉज पापा जी ने मतलब अपना बचपन बहुत पापा जी का थोड़ा सा वैसा रहा है, बिकॉज पापा जी के मम्मी पापा बहुत जल्दी नहीं है थे इस दुनिया में, मतलब नहीं हैं, बहुत जल्दी छोड़ के चले गए थे। तो पापा जी बहुत छोटे थे तो उन्होंने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो जब हम उनके लिए या हमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं, हम ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं तो उनको बहुत प्राउड फील होता है और प्राउड से वो रो देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। पापा जी बहुत हमारे इमोशनल हैं, सो बस वो इमोशनल हो गए और रोने लग गए और रोते रोते देखो उन्होंने क्या बोला। बाबू के जन्मदिन से पहले मम्मी को था कि हमारे घर में पूरा फर्नीचर लग जाए और लग गया फाइनली। 3 बार गए मम्मी है, लिखा इसी टाइम का था जो है ना, लिखा 2 बार हम लोग गए। मम्मी को चिंता नहीं, देखो कोई मेहमान आए तो सामान देख रहे हो कितना भरा भरा सा लग रहा है ना। अच्छा पैसे बोल रहे हैं इनको देने के लिए, वो कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। वाले? वाले? सरप्राइज मामी जी, सरप्राइज। अभी आए होते ही बाटे नानी जी, हाय देखी कि राजा लोग नायब लोग तो खोले हम लोग। सो गाइस, 1:30-2 बज रहे थे जैसे मैंने बताया, तो फिर मैं नाश्ता लेके बैठी थी, मैं ऐसे ही घूम रही थी जैसे मैं गई, ये देखो प्लेट में निकला हुआ है ना, इतने में मामा जी की फैमिली आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि पहले पानी वानी देती हूँ, चाय वाय देती हूँ, फिर नाश्ता करूँगी। अब मेरा नाश्ता यहाँ रखा हुआ है, बहुत टेस्टी सी सब्जी थी और मतलब इतने लोग थे घर में, इतनी भागम दौड़ मची थी ना कि मतलब क्या बताऊँ, और इतना अच्छा लगता है ना सीरियसली। अब मैं गई और अब जल्दी से अपना नाश्ता खाया बिकॉज काफ़ी ठंडा भी हो गया था। मम्मी ये पता है, कह रहे थे कि ये वाला बहुत सुंदर है और देखो सच में बहुत सुंदर लग रहा है। सो ये अभी मम्मी का रूम का पहले बेड सेट हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे ओपन होगा तो मैं दिखाती हूँ। 3 बजे लेकिन मामी जी अन्नू पूजा सब कुछ बता रहे थे। पापा जी का रो होता नहीं, मम्मी खराब है।
सब समय पर जो लिखा रही तो एकदम ओके बैठिए महारानी जी, डाल जाओ बेड में। गाइस धीरे धीरे गेस्ट आने स्टार्ट हो गए और यहाँ पे मम्मी की फ्रेंड मामी जी की फ्रेंड आ गए थे, तो उनके लिए जल्दी से मैंने चाय बनाया। उनके लिए क्या, मैंने बहुत सारा चाय बना दिया था एक ही साथ, ताकि मैं सबको आए सब तो थोड़ा सा गर्म कर करके देती जाऊँ जो अभी आए हैं उन सबको। और उसी में बीच बीच में मैं जाके सारा बेड भी सेट करी थी, क्योंकि सब आ रहे थे तो बैठने की सबको जगह मिले, सब सेट होगा तभी सब बैठ पाते। तो बीच बीच में जाके मैं ये सब भी कर रही थी, बीच में फिर कोई याद रहता तो पानी दे रही थी, चाय दे रही थी, फिर भागते हुए जा रही थी, फिर धर्मी को भी कुछ ना कुछ खिला रही थी। मतलब मेरा पूरा दिन इतना हेक्टिक था। पूजा शुरू करवाओ जाके यार, तुहरे खाते मेरे पास नहीं मम्मी, पूजा तो आप वापस कराओ। तो वो चुनी अभी ले उतार लो। हाँ विकास तो गाइज यहाँ पे सभी लोग नीचे चले गए हैं पूजा में, बस मैं अकेले थी। फिर मैं जल्दी से धन्वी को मैंने दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद जल्दी से बस साड़ी लपेटी जैसी थी वैसे ही, क्योंकि नीचे सब वेट कर रहे थे, और भागते हुए मैं नीचे चली गई पूजा में जिस तरीके से थी वैसे ही।